गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जब किसी नंबर को यदि डिजिट फॉर्म में लिखा हुआ, नंबर जो है यदि डिजिट फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उस नंबर को हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, और यदि कोई नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग डिजिट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब, यदि कोई नंबर नोटेशन में है तो उसको न्यूमरेशन मेथड में कैसे चेंज करें, या न्यूमरेशन में है तो उसको फिर नोटेशन मेथड में हम लोग कैसे चेंज करें, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपके पास ये एक बड़ा सा नंबर है, ये डिजिट में लिखा हुआ है, नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसको आपको वर्ड में लिखना है, तो कैसे इसको हम वर्ड में लिखें। तो आपको पिछले वीडियो में बताया कि सबसे पहले ये जो नंबर है, इस नंबर में हम लोग कॉमा लगा के इस नंबर को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो तीन डिजिट के बाद, फिर उसके बाद पहले तीन डिजिट के बाद, उसके बाद दो दो डिजिट के बाद, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो कॉमा लगा देंगे। अब इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि वर्ड में कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे यहाँ पढ़ के आइएगा आप, यहाँ ये सबसे पहले तीन डिजिट को पढ़िए। तो ये क्या है, तो ये पढ़ना तो आपके लिए आसान है, वंस टेंस हंड्रेड, यानी ये हंड्रेड वाला प्लेस है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 300, और ये तो आप जानते हैं कि 75 है। तो ये हुआ आपका 375। अब आइए इस कॉमा के पास, ये आपका थाउजेंड वाला प्लेस है। तो थाउजेंड वाले प्लेस पे आप देख रहे हैं कि दोनों कॉमा के बीच में सिर्फ जीरो जीरो है, यानी कोई थाउजेंड जो है यहाँ नहीं है। उसके बाद जाइएगा यहाँ लाख वाला प्लेस पे, तो सेवन है और सेवन के पहले टू है, यानी यहाँ है 27, कितना तो लाख। उसी तरह फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ कोमा आपको मिला, तो इस कोमा में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो 15 लिखा हुआ है, यानी 15 ये क्या है तो करोड़ है। उसके बाद अगले यदि कोमा के पास जाते हैं तो आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो 28 लिखा हुआ है, यानी 28 अरब इसको बोलेंगे। तो इस तरह आप देखें कि कोमा लगाने से आप इसको आसानी से जो है पढ़ ले रहे हैं। अब इस पूरे नंबर को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखें, यहाँ 28 लिखा हुआ है, तो इस तरह पढ़ेंगे इसको क्या, तो 28 अरब। फिर आगे 15 है तो 15 करोड़। फिर आगे बढ़ते हैं, 27 है तो 27 लाख, और 00,000 है तो 00 है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए 375। तो इस तरह आप देखें कि इससे बड़े से नंबर को कोमा के मेथड से पहले हम लोग ब्रेक कर दिए और इसको आसानी से हम लोग पढ़ लिए। तो फिर से आइए इस पूरे नंबर को कैसे हम लोग वर्ड्स में पढ़ेंगे, तो 28 अरब, 15 करोड़, 27 लाख, 375। तो ये सीखने के बाद आप एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट है उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पढ़िए, इस नंबर को हम लोग को वर्ड में लिखना है, तो इसमें आपको कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि कोमा जो है इसमें पहले से लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ एक फोर्थ नंबर देखिए, फोर नंबर ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, तो कोमा लगा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं है। अब इसको सिर्फ आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो यहाँ से शुरू कीजिए। ये आपका वंस हुआ, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, ये करोड़ वाला प्लेस है, तो कितना करोड़ है तो 7 करोड़ है। उसके बाद फिर यहाँ आइए, तो ये कोमा जो है लाख वाला है, तो यहाँ कितना लाख है तो 06 है, यानी 6 लाख है। फिर यहाँ आइए, ये कोमा थाउजेंड वाला कोमा है, तो यहाँ कितना है 04, यानी 4,000, और उसके बाद 0,114 है। तो इस तरह आप इस नंबर को कैसे वर्ड में लिखेंगे, तो 7 करोड़, 6 लाख, 4,014। उसी तरह जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वर्ड में लिखना है, तो सबसे पहले कोमा तो लगा हुआ है। अब आइए यहाँ से एक बार पहले रीडिंग लगा लीजिए इसको, प्लेस वैल्यू चार्ट जो आप याद किए हैं, पीछे चार्ट दिए हुए थे उस हिसाब से इसको एक बार पढ़िए पहले, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, लाख। तो इस तरह आप देखिए कि ये लाख वाला प्लेस है, तो
कितना लाख है, तो 35 है, तो 35 लाख, ये 1000 वाला कुआं है, तो ये हो गया आपका 42,000, और ये 0, 112, तो 0, 112 नहीं करके इसको सीधे आप 12 कहेंगे। तो इस तरफ 35,000, 35,42,012। तो इस तरह यदि वर्ड नोटेशन में यदि आपका जो है क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इसको वर्ड में आप लिखिए, तो इस तरह आप वर्ड में लिख सकते हैं, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप अब बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में रहने दीजिए, अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है आपका ये क्वेश्चन थर्ड, जिसमें कह रहा है कोमा को आप जो है इंसर्ट कीजिए। जो भी यहाँ नंबर जो ऐसे दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ यहाँ ये सब जो नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको कोमा लगाना है। तो आपको बताया है जैसे ये क्वेश्चन है, तो 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ एक कोमा लगा देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ एक कोमा लगा देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगा देंगे, तो पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2, 2 डिजिट के बाद इसमें आप कोमा लगाएंगे। इस तरह ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ और आगे आपको हम बताएंगे।